आज बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी है। उनका जीवन पूरा संघर्ष भरा हुआ है और पूरा जीवन उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए बहुत 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 संघर्ष किया। उनका सपना था कि इस देश के अंदर जो आखिरी आदमी है उस तक सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने शिक्षा पे दिया। उन्हीं की प्रेरणा से आज हमारी सरकार में हम सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भी मानना है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि अगर हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो गरीबी भी दूर होगी और समाज में बराबरी भी होगी और सब लोगों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मैं इस अवसर पे उन्हें कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। सर, कल एग्जिट पोल के नतीजा है, भारी बहुमत MCD में आम आदमी पार्टी को मिलती नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतज़ार करते हैं। पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि BJP जो है गढ़ है इन लोगों का, तो इतनी कोई 15-20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर, ये भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं